सीबीआई की जांच भी चल रही है और साथ ही साथ संदेश घोष को लेकर भी कई बड़े खुलासे होने आरोप लग रहे हैं कि छात्रों को फेल कर देते थे पैसे के चक्कर में। इतना ही नहीं राजीव, एक के बाद एक और भी कई सारे खुलासे संदीप घोष के बारे में किए गए हैं। कई संगीन आरोप लगाए गए हैं संदीप घोष के पड़ोसी की तरफ से। सुनिए क्या कहा है। सूर्याग्नि रॉय ने बात की उनके पड़ोसी से। आप कैसे जानते थे संदीप घोष को, बातचीत होती थी उनके साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर एस घोष बोल के लिखा था और पेशेंट भी देखता था दो चट्टो। पहले यहाँ पर एक मतलब एक नर्सिंग होम में जुक्त था, तब वो नौकरी नहीं करता था, लेकिन हम सुना है आजू बाजू में जो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो जो रिपोर्ट दिखाने के लिए पैसा मांगता था, अगर पैसा नहीं देता था तो मिसबिहेव करता था, समझे कि नहीं। तो ये ऐसा आदमी था, एक दिन हम सुन रहा था जो उसका आरोप मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का हाँ उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के हाँ उसका सिलाई फाड़ दिया, मतलब उसके खुद की बीवी को, खुद के बीवी को आ, आ, तो हम लोग नहीं गया, सुन रहा था चिल्ला चिल्ली। यहाँ पर क्लब का जो लोग था उन लोग उसको निकाल के ले गया, हम लोग देखा जो मैक्सी पहन के था वही पहना था, उसके बाद उसका बच्चा का जो कपड़ा था वो भी नहीं दिया। संदीप घोष तो है लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक है।